सभी भाइयों को, दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ प्रकाश और आप सभी को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग फिर से एक लोगो डिजाइन करने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। चलिए हमेशा की तरह आज का जो सिंपल है मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार का लोगो या तो डिजाइन को किस प्रकार से बनाना है। ये बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए तो आपको भी पूरा समझ में आ जाना है। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपना न्यू पेज में आ चुका हूँ। सबसे पहले तो टूल बॉक्स में जाएंगे और इलिप्स टूल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में यहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल बना लिया मैंने। इसका साइज को मैं यहाँ से डाल देना है 200 बाई 200 और इंटर प्रेस करूंगा, पी प्रेस करूंगा, सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ हैंड टूल से, फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ में यहाँ से पकड़ना है और ड्रैग करेंगे इस तरीके से लगभग यहाँ तक। आप देख लीजिए जितना आपको सही लगे, राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। सेंटर में पकड़ना है और कंट्रोल के साथ में ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे लगभग इतना, राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी करूँगा ग्रुप हो जाएगा। बाहर क्लिक डिसलेक्ट, फिर से टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से स्मार्ट फिल्टर मैंने ले लिया और यहाँ पर डिफॉल्ट कलर मैंने अप्लाई कर देना है दोस्तों इस तरह से। बाकी को सेलेक्ट करेंगे कीबोर्ड से, डिलीट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ से वेल्ड कर देता हूँ। इसका एक डुप्लीकेट मैंने इस प्रकार से बना लेना है, राइट क्लिक करेंगे ड्रैग करके कॉपी हो जाएगा। फिल कलर को यहाँ से लेफ्ट क्लिक रिमूव हो जाएगा, इसका भी मैंने फिल कलर रिमूव कर देना है यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके। अब यहाँ पर इसके अंदर में टेक्स्ट को यूज करना है, डालना है, तो मैंने टेक्स्ट टाइप कर लेना है। टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लिया मैंने, यहाँ पर टाइप करना है कोरेल ड्रॉ ट्यूटोरियल। चलिए ठीक है, आप अपने हिसाब से जो भी आप टाइप करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, आप अपना हिसाब से डाल दीजिए। मैं सिर्फ इसको आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरह से और यहाँ से फॉन्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, फ्यूचर MDVT मैं इसको डाल देता हूँ और एक डुप्लीकेट मैं ड्रा करेंगे और राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से रोटेट करूँगा 180 यानी कि 180 डिग्री के एंगल में और इंटर प्रेस करूंगा। इस प्रकार से ये रोटेट हो जाएगा और यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल मिरर करूंगा, इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया। दोस्तों ये वाला टेक्स्ट को शेप के अंदर में डालने के लिए मैंने एनवेलप टूल का यूज करना है, तो पहले भी मैंने एनवेलप टूल को किस प्रकार से यूज में लाना है मैंने वीडियो बना कर रखा है। आप यदि अभी तक आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप देख लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मेनू बार में से इफेक्ट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाना है एनवेलप, या तो आप कंट्रोल F7 प्रेस कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है, मैंने इनेबल कर रखा है इसलिए इसको कैंसिल करूँगा और थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूँ और यहाँ से मैं ओपन करूँगा इस तरीके से। ये सिलेक्ट है, यहाँ पर आपको आ जाना है क्रिएट एनवेलप फ्रॉम, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस वाले शेप में क्लिक करेंगे, इस तरह से बन जाएगा। शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे और CE करेंगे, ये इसमें आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये उल्टा दिख रहा है, कोई बात नहीं अभी ठीक करेंगे। सबसे पहले इसको मैं ठिकाना लगाता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर फिर से क्रिएट एनवेलप करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से और शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट करेंगे और CE करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये अच्छा से तो इस शेप के अंदर में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको मैं एडजस्ट करूँगा कीबोर्ड से एरो की से, इस प्रकार से थोड़ा सा मैं नीचे करूँगा लगभग, ठीक है इतना काफ़ी है। अब अपन क्या करना है, इसको पहले मैं इस पर कलर कर देता हूँ, इस वाले ब्लू कलर, ठीक है। इस प्रकार से इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल G कर लेता हूँ एक बार और इस वाले कोना में पकड़ेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर डाल देता हूँ, सही है। अब मैंने इसको कंट्रोल के साथ में इधर घुमानी है, इस तरह से मैंने घुमा दिया लगभग, ठीक है। बार क्लिक डिसलेक्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे सर्कल को और कीबोर्ड से डिलीट, अभी इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और एक डुप्लीकेट मैं बना लेता हूँ, ड्रैग करेंगे इधर, राइट क्लिक करेंगे कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मैंने इस सबसे पहले इसको मैं अनग्रुप करता हूँ इस प्रकार से, चलिए। और यहाँ पर ग्रेडियंट मैं अप्लाई करूँगा, G प्रेस किया कीबोर्ड में से और यहाँ से ड्रैग करेंगे लगभग यहाँ तक, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, चलिए ठीक है। सेम कलर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा, यही ब्लू कलर, और मीडियम में मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पर, इस तरह से मैंने डाल दिया। थोड़ा सा इसको इधर खींच टान के लंबा कर लेता हूँ, क्या होता है लगभग, ठीक है मेरे अंदाज से इसको एक बार देख लेता हूँ, चलिए ठीक है। इसको भी मैं ग्रेडियंट यहाँ पर अप्लाई करूँगा, तो इस तरह से ड्रैग किया मैंने, सेम कलर ब्लू कलर यहाँ पर, और इधर भी ब्लू कलर करूँगा और रेड करूँगा यहाँ पर सेंटर में यानी कि मिडिल में, ड्रैग करेंगे थोड़ा थोड़ा,
इस तरह से लगभग, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कलर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर देता हूँ, लगभग बन चुका है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। थोड़ा इधर करूँगा और इसको भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से अनग्रुप कर लेता हूँ, तभी यहाँ पर कलर आएगा दोस्तों इस तरह से। अभी करके देखता हूँ, ठीक है। इसको भी पूरा सेलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल भी कर देता हूँ इस प्रकार से, हैंड टूल से इधर करूँगा। इस तरह से ये बन करके रेडी हो गया दोस्तों, और थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। तो यही था आज का छोटा सा ट्यूटोरियल। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।